हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल रतन थॉर्न पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11 साइंस सब्जेक्ट बायोलॉजी में हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली के बारे में हम विस्तार पूर्वक वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। देखो, सेल मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदी पारगम में विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है वो कहा जाता है। यानी सभी कोशिकाओं में पाई जाती है जीव द्रव्य के चारों ओर विभेदी पारगम में विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल जो मेम्ब्रेन है उसमें जो मुख्यतः वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। सेल जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, वसा एवं प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो कोशिका कला नाम है, जो सेल मेम्ब्रेन को कोशिका कला नाम दिया था सी क्रेमर एवं नेगली ने, और इसको जीवद्रव्य कला नाम दिया था फ्लो नामक वैज्ञानिक ने। इसको क्या नाम दिया था, इसको दिया था जीवद्रव्य कला नाम है वो दिया था। सर्वप्रथम डेनियली एम डॉसन ने 1938 में जो कोशिका झिल्ली है, इसकी संरचना है वो समझाई थी, और इसकी संरचना को नाम दिया था सैंडविच संरचना। यानी सर्वप्रथम डेनियली एम डॉसन ने 1938 में इसकी संरचना को सैंडविच संरचना के नाम से नाम दिया था। क्या नाम दिया था, सैंडविच संरचना है वो नाम दिया था। इसने बताया कि इसकी संरचना सैंडविच के समान बताई थी, जिसमें दो सघन प्रोटीन परतों के बीच बीच में फॉस्फोलिपिड स्तर है वो पाया जाता है। इसकी मोटाई है, इस प्रोटीन परतें हैं वो 20 से 25 एंगस्ट्रॉम मोटी होती हैं। ये प्रोटीन जो परतें होती हैं 20 से 25 एंगस्ट्रॉम में मोटी पाई जाती हैं, और जो वसा की परत होती है वो 30 से 35 एंगस्ट्रॉम की पाई जाती है। 30 से 35 एंगस्ट्रॉम में वो वसा की परतें हैं वो पाई जाती हैं। जीवद्रव्य कला है उसकी पूरी मोटाई है 70 से 80 एंगस्ट्रॉम मोटी एकक परत होती है। यानी पूरी की मोटाई है 70 से 80 एंगस्ट्रॉम की मोटाई है वो इस जीवद्रव्य कला की पाई जाती है। प्रोटीन परतें एक अणु मोटी एवं जलस्नेही होती हैं। फॉस्फोलिपिड की परतों में अणु की दो पंक्तियां विपरीत दिशा की ओर होती हैं। प्रत्येक फॉस्फोलिपिड अणु में एक जलविरागी ध्रुवीय सिरा है वो बीच की ओर पाया जाता है। ये जो सिरा है वो जलविरागी सिरा होता है। कैसा होता है, जलविरागी सिरा है वो पाया जाता है। यानी कहने का मतलब होता है कि जीव द्रव्य के चारों ओर प्रोटीन वसा की बनी है जो परत पाई जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन है वो कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के अलग अलग कोशिका झिल्ली है, जीवद्रव्य कला, इसके अलग अलग मॉडल आएंगे। इन मॉडलों में सबसे पहला मॉडल आता है सैंडविच संरचना का, डेनियली एम डॉसन का मॉडल। तो इसका स्क्रीनशॉट है वो बोर्ड से ले सकते हैं आप। हेलो, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, बाय।